नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार। और आज हम पहुंच गए हैं गांव बराना में। यहां दिखाएंगे कि यहां पिछले 4.5 सालों में सरपंच ने क्या कुछ खास किया है गांव के विकास के लिए और यहां के जो लोग हैं कितने खुश हैं। अभी हम मौजूद हैं गांव के कुम्हारों की चौपाल में और चलिए दिखाते हैं कि क्या इस चौपाल के अंदर क्या कुछ सुविधाएं गाँव वालों को दी गई है। तो राम राम ताऊ। तो ताऊ जी, क्या कुछ सुविधा दी गई है इस चौपाल में? यहाँ जी कोई सुविधा ना, तो बिजली है ना, कोई पंखा है ना, कोई कुछ है। बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी, कोई पंखा नहीं है ना कोई बिजली। आपने सरपंच से बोला है कि हमें ये सुविधाएं दो? हमने बोला जी, यहाँ कोई सुनाई नहीं करी हमारी। आपकी सुनवाई कब से नहीं हो रही है? काफी दिन नहीं हो रही सुनाई जी, यहाँ पत्र बिछाए गए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी ना कोई डेट। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये अब तक ये चौपाल को बने हुए कितना टाइम हो गया है? ये पीछे बनी थी चौपाल, तो ये क्यों करवाने के लिए दी थी, इसमें कोई सुविधा नहीं करी मतलब। तो देखिए यहाँ पर और कुछ मेरे युवा भाई भी हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं सलमान, कबड्डी कोच हूँ। कबड्डी कोच हैं आप? हाँ जी। तो और कौन कौन है सर चौपाल में? यहाँ पे हमारे कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं जो आउट ऑफ स्टेट से आए हैं, बाहर के बच्चे, राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा तो कबड्डी, ये कबड्डी के कोच हैं और बाहर से यहाँ पर आप आकर क्या करते हैं सर? हम यहाँ, मैं यहाँ कबड्डी कोचिंग देता हूँ, गांव में कबड्डी कोचिंग सेंटर। अच्छा, है पूरे गांव के मतलब कबड्डी के कोच हो आप? हाँ जी। कितने बच्चे यहाँ पर सीखते हैं? यहाँ पे 60-70 बच्चे सीखते हैं कबड्डी। तो बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई है? स्टेडियम है यहाँ पे? नहीं, स्टेडियम नहीं है, गांव की तरफ से जमीन दी गई है बच्चों को ग्राउंड खेलने के लिए, तो उसी में प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की। और यहाँ पर जो खिलाड़ी आते हैं कबड्डी के, जो उनको क्या कुछ सुविधा दी गई है गांव की तरफ से? बस गांव की तरफ से तो है, इधर गांव वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ में, तो उन्हीं की सहयोग से हम इधर। तो अभी आपके पास यहां पर कितने स्टूडेंट हैं आपके? हमारे पास 10-12 बच्चे हैं अभी हॉस्टल में, जो बाहर के रहते हैं चौपाल में। हाँ, एक बार बुलाओगे आप? तो देखिए हम उन खिलाड़ियों से भी मिलवाएंगे जो यहाँ पर कबड्डी के जो कोच हैं सर, इनसे प्रशिक्षण लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि हरियाणा का जो नाम है उसका नाम सबसे बड़ा खेलों से होता है, क्योंकि हरियाणा के जो बच्चे हैं खेल कबड्डी कुश्ती में आप सबको पता है जैसे माहिर होते हैं खेलों में, वो देश विदेश में हमारा नाम रोशन करते हैं, पूरे हरियाणा का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर उन्हें जब सुविधाएँ ही नहीं दी जाएंगी तो आखिर वो कैसे अपने खेलों करेंगे? तो भाई आप कबड्डी खेलते हैं? हाँ जी, कबड्डी खेलते। तो आपको क्या कुछ सुविधा यहाँ पर दी गई है और क्या कुछ सुविधा नहीं दी गई है? सुविधा तो ये है, हमारी एकेडमी में तो लगभग पूर्ण सुविधा है, गांव वालों का सहयोग मिल रहा है, बाकी जो भी है खेल ग्राउंड है वो भी अच्छे हैं, बाकी ट्रैक का है थोड़ा गाँव की क्या गाय भैंस वगैरह ट्रैक पर आ जाती है, ट्रैक खराब हो जाता है हमारा, फिर हम मेहनत करके वापस बनाते हैं, फिर गाय भैंस आती है और फिर खराब कर देती है उसे। तो देखिए जो ये भाई हैं, जो हमारे भाई खिलाड़ी हैं, इनका कहना है कि जो गांव में गाय भैंसे होती हैं ये लोग ट्रैक बनाते हैं, उसके बाद वो आके तोड़ जाती हैं, तो गांव में जो सरपंच है उनकी तरफ से नहीं आपको ये सुविधाएं दी जाती? नहीं जी, सुविधा नहीं है, हम ही कर रहे हैं जो ट्रैक वगैरह। तो यहां पर देखिए ताऊ जी भी हैं। नमस्कार। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो आपको क्या कुछ यहाँ पर अच्छा लगा और क्या कुछ बुरा लगा? बुरा लगा जी, बच्चों ने खला में रोज प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन बच्चे तो कह रहे हैं कि उन्हें जो सुविधाएं देनी चाहिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बस सरपंच का कम सहयोग है जी। तो सरपंच को आप बोलते नहीं हो? बोल रहे हैं जी, कौन चिंता करेगा उनकी बात है, सुनते नहीं है सरपंच आपकी बात। कितनी बार आपने सरपंच को बोला है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं? क्यों बैठने दो, तो मुझे बैठा दो, माँ बेचेरा क्या नुकसान है यहाँ बैठने में। अच्छा, वो मना भी करते हैं कि नहीं यहाँ मत बैठने दो? हाँ, ये चौपाल है। देखिए गांव के सरपंच यहाँ तक कहते हैं कि जो ये खिलाड़ी यहाँ पर रह रहे हैं, जो कबड्डी कोच है जो यहाँ पर वो प्रशिक्षण देते हैं, कि वो यहाँ पर खेले भी ना, तो ये देखिए कितनी दुखद बात है कि खिलाड़ियों को जो उनकी मौलिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं हरिजन कॉलोनी में और आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये है हरिजन चौपाल। तो आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ खासियत है इस चौपाल के अंदर। अब तक हमने गाँव में घूमा और चौपालें तो बहुत देखी, लेकिन जो ये चौपाल है इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो टाइल्स है वो बहुत ही खूबसूरती से लगाई गई हैं और ये जो पूरा चौपाल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आइए अंदर भी अंदर देखें, कुछ बच्चे मौजूद हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो आइए बच्चों से पूछते हैं, बच्चों इधर आओ, क्या नाम है बेटा? मोहित। तो ये चौपाल अच्छी लगती है? यस। कब बनी थी बेटा ये? एक दो महीने हुए।
तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो आसपास में रहने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर आके खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ तो ताऊ जी, आप यहीं के निवासी हो क्या? तो ये चौपाल में क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? बहुत सुविधाएं दी गई जी, बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुविधाएं दी गई। हम बढ़िया काम करवाया हमारे इसने, पार्षद ने बहुत अच्छा काम कराया। सरपंच ने बनवाया है कि पार्षद ने? पार्षद ने बनवाया। ये देखिए यहाँ पर मैं कहूँ तो पार्षद भी मौजूद है यहाँ पर। तो स्वागत है आपका हरियाणा रिपब्लिक पर। थैंक यू भाई साहब। तो कैसे आपको अंदर सोच आई कि ये जो पूरी चौपाल है, मैं कहूँ तो टाइल्स है, थोड़ी दीवारों पर लगाई जाती है, लेकिन आपने पूरे चौपाल में टाइल्स लगवा दी? ये जो पहले ना जर्जर हालात में थी, बहुत पहले चौपाल। कितने समय पहले? ये लगभग एक साल पहले। तो इसमें सरपंच से आपको कुछ सहायता मिली? पंचायत का तो कोई सहयोग मेरे को मिले नहीं समझ को मिली, ये तो मेरे भाइयों के द्वारा, अपना जो जिला परिषद है उसके द्वारा बनाई गई है। तो और आपने इसके अंदर क्या क्या कुछ सुविधा की, खास क्या है इस चौपाल के अंदर? खास तो देखो जी, ऊपर तो टाइलें दिख रही है आपने, नीचे भी टाइलें लगाई है, लैटर की बात हम दोबारा बनाई है उसकी, पानी के लिए टंकी लगाई है। तो आइए अंदर आइए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद हैं, सर आपका नाम बताओ पहले आप? मंजीत बराना। तो मंजीत जी ने देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से, सर ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर? क्योंकि जो चौपालें होती हैं बाहर तो टाइल्स लग जाती हैं, लेकिन अंदर कहूँ तो अंदर टाइल्स नहीं होती हैं। ये तो टाइल लगता हूँ मैं, काफ़ी चौपालों में गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा भी चौपालें तो काफ़ी अच्छी है वहाँ की, लेकिन जो मेरी चौपाल थी बहुत ख़राब थी, बहुत इसकी बड़ी खस्ता हालत थी, बड़ी जर्जर स्थिति में थी चौपाली है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पूरे इस चौपाल के अंदर का दृश्य दिखाएं हमारे जो दर्शक है हरियाणा रिपब्लिक के। तो और बताइए पास्टर जी, और क्या कुछ इसमें सुविधाएं आप देंगे? इसमें सुविधा भी तो लाइट की फिटिंग पेंडिंग है इसमें, लाइट की फिटिंग के बाद फिर इसमें पानी का थोड़ा काम हमारा ले रहा है, और बाकी तो ओके है सब। टॉयलेट वगैरह बन गई? टॉयलेट तैयार करा दिए। आइए बाहर चल के टॉयलेट दिखाते हैं। टॉयलेट में अभी सीट लगानी पेंडिंग है, और वॉश बेसिन और टूटी वगैरह। तो चलिए हम बाहर चल के सीधा दिखाते हैं कि आखिर जो यहाँ पर टॉयलेट बनाई गई है वो कैसी बनी है, क्योंकि चौपाल तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। टाइल्स आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर टाइल्स हैं ये, और टॉयलेट इसमें मैं कहूँ तो एक टॉयलेट बनाया गया है और एक इसके साथ ही वॉशरूम है। तो चलिए परसे जी, किधर है टॉयलेट बताइए? तो पेंडिंग है अभी, तो ही नहीं पेंडिंग। अभी पेंडिंग है, पूरी हुई नहीं। तो ये अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? ये क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? पैमाइश कर रहे हैं। किस चीज़ की पैमाइश? ये जो असेसमेंट होगी, जो इन्होंने टाइलें लगाई फिलहाल। अच्छा, इसकी पैमाइश कर रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जो इस चौपाल में अंदर पैमाइश चल रही है, और यहीं पार्षद जी ने बताया कि इनका एक सपना था कि मैं ऐसा चौपाल बनाऊं जिसे लोग भी देखकर कहें कि हाँ वाकई कुछ बना है। और हरिजन चौपाल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुंदर नज़र आ रही है। चलिए गांव में चलकर और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। इसे देख पा रहे हैं, ये है कश्यप चौपाल, और यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ सरपंच ने विकास कार्य किए हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार भाई साहब, पकड़ना नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? रामपाल। तो रामपाल जी, ये बताइए कि क्या कुछ काम सरपंच के द्वारा किए गए? भैया पुलिया बनवा रखी सरपंच ने, एक पर इतना पानी भर रहा, गोटा गोटा पानी भर रहा, गोटा गोटा पानी भर रहा, सड़क पर जाकर देख शमशान मनाथ भी मुर्दे ना ले जानी, पानी में ना जाते हैं। तो आपने सरपंच को शिकायत की? हाँ, क्यों नहीं करी? और सारे काम ना पता, उड़ना भी पता, डांडा ना भी सुनता नहीं हो? सुनता कहाँ, सुना कौन सुना? और क्या समस्या है? सारी समस्या इस मोहल्ले में ना लाइट है कोई सरकारी। और यहाँ पर और लोग मौजूद है, ये उनसे जानते हैं। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। सरपंच ने अच्छा काम किया है? अच्छा ही कर रहे हैं। आइए यहाँ पर एक और शख्स है। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है सर? रनवासा। तो सरपंच के काम से खुश हो? बढ़िया जी, बढ़िया कर रहे काम। क्या किया है बताओ? सारी चीज कर ला रहे, बड़ा पानी नहीं रुक रहा हमारा। यू किस चीज का पानी नहीं रुक रहा? यू नाले का। नाले का पानी नहीं रुक रहा? क्या समस्या है नाली में? समस्या जो हम लाश लेकर जाओ, उस पानी में लेकर जाओ। तो कितने सालों से समस्या है ये? निरे दिन तक समस्या की। पानी कहाँ से आता है? जो पानी बोरों का चला जी। आपने कितनी बार शिकायत कर ली? निरीबर कर ली इसकी, दो डांडे तब शिकायत कर ली। सुनता नहीं है कोई? कोई नहीं सुनता। तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय निवासी थे उनका कहना है कि इन्होंने कई बार जो ये नाली की समस्या इसकी शिकायत ढांडा, जो महिपाल ढांडा ग्रामीण विधायक है, उनके पास तक पहुंचाई, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं हमारे दूसरी तरफ हमें जो यहाँ पर कश्यप चौपाल दिख रही है, तो आइए हम चल के दिखाते हैं कश्यप चौपाल, जो कि दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस चौपाल के अंदर। तो चलिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि लेके चले और दिखाएं आपको ये पूरा चौपाल। तो देखिए अभी हम चौपाल कश्यप चौपाल के मुख्य द्वार पर हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये नाली खुली है। यहाँ पर अब तक कोई जो एक
चढ़ने के लिए सीढ़ी बना होता है वो तो बन गया है, लेकिन सफाई यहाँ पर भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार गंदा पानी बिखरा हुआ है, पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं यहाँ पर हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। चौपाल तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर जो ये पीने के लिए टंकी बनाई गई है इसमें पानी नहीं आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये यहाँ पर ये मैं कहूँ तो 100 पीस के लिए खाली लगा रखा है। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आता है। और भी देखिए यहाँ पर जी, ताऊ यहीं से हो आप? चौपाल के अंदर क्या सुविधाएं हैं? चौपाल में तो अब बोलो सुविधा मैंने बना लिया था, ये तो बुरा हो रहा है। यहीं से हो? हाँ जी। चौपाल अच्छी बनी है? अच्छी बनी जी, बोलो सुविधा का नहीं बड़ी, सरपंच ने कुछ नहीं करवाया, सरपंच ने कुछ नहीं कराया? नहीं जी, ताऊ के लड़के ने करवाया था। क्या नाम है आपके लड़के का? अशोक है जी। इसमें जो पानी की व्यवस्था है वो तो नहीं है? वो चब दूसरे पास है जी। ये टंकी में पानी नहीं आता है? जैसे ये सरपंच कमी है सारी। कब आता है पानी? भर दिया एक दो दिन हम जी, चेंज कर दिया पानी। खुद भरते हो? हाँ जी। इसके लिए मोटर नहीं है? ताऊ जी मोटर सारी चीज है, बोर भी चलता है। बोर अभी तो नहीं दिख रहा हमें, बोर भी खड़ा लग रहा है अभी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि यहाँ पर बोर लगा हुआ है और ये खुद पानी भरते हैं इस टंकी में, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर हमें पानी नहीं दिख रही है। मैं अपने सहयोग कहूँ कि दिखाएं, ये जो एक हॉल है कश्यप चौपाल के अंदर, हॉल है काफ़ी बड़ा है और इस पर टाइल्सें बहुत अच्छी लगाई गई हैं मैं कहूँ तो। और ये कौन करता है सफाई? सफाई कोई करवाता नहीं, मम्मी सफाई करते हैं। आप खुद करते हो? हाँ जी। आपने शिकायत की है कभी? सारे लड़के सफाई करते हैं खुद। देखिए यहाँ जो आसपास ये आप बच्चे देख रहे हैं, यही सब मिलकर इस चौपाल की सफाई करते हैं, और सरपंच की तरफ से कोई कुछ कार्य नहीं किए गए हैं। ये दो पंखे खराब हो रहे जी, कई साल हो रहे एक पंखा चलता है कोई सर। मैं अपने सहयोग कहूँ कि पंखों को दिखाएं, ये पंखे चलते ही नहीं है। चलता नहीं, एक पंखा ठीक करो। बिजली आती है? बिजली आवा जी। कब से समस्या है? इन्हें 3-4 साल हो रही है पंखों ना। 4 साल हो गए ना, ये पंखा मैंने ठीक करवाया था जी। अभी आपने अपने पैसे से करवाया? अपने पैसे से। सरपंच को बोला नहीं आपने? नाम ना बोलिया ना, उन्होंने ठीक करवाया। आप बोलते हो तो सुनता नहीं है क्या? ना कोई सुनता हो। तो देखिए यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जो शिकायत कर ली कि चौपाल में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, पानी के लिए अच्छा टंकी लगाया जाए, और वहीं पर पंखे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो चलिए दिखाते हैं और क्या समस्या है इस गांव में। हाँ बिल्कुल। तो देखिए आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये है गाँव का महिला मंडल, और सफाई व्यवस्था तो आप खुद देख रहे होंगे कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मैंने जब यहाँ के स्थानीय निवासी से बात किया तो उन्होंने बताया ये पिछले 15 सालों से इसका जो निर्माण है वो चल रहा है और इसका निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ। ये देखिए कितनी अच्छी साफ सफाई आपको दिख रही है। मेरा कहने का मतलब है कि सफाई तो यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही, बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था नहीं है। वो तो देख लो आप। तो यहाँ पर एक जो शख्स है, आप इसी गाँव के हो क्या? पंचायत मेंबर हूँ मैं, एक्स मेंबर। अच्छा मेंबर है आप? एक्स मेंबर हूँ पंचायत का। आप बता रहे 15 साल से चल रहा है। हाँ। तो आपने क्या करवाया था? मैंने तो मेरे से बाद में बनी है ना ये 15 साल, मैं 2002 का था मेंबर। आप 2002 के मेंबर थे, उसके बाद तो कई मेंबर है, उन्होंने कुछ नहीं किया? देख लो आपके सामने पड़ा जो पड़ा। आपने इसकी शिकायत कहाँ तक पहुँचाई? हमने कहीं तक नहीं पहुँचाई, कौन पहुँचावर कौन जान देवा हमने। आप एक्स मेंबर हो तो आप तो जानते होंगे, जाना है जब सरपंच बनाए अपना कर ले जो कुछ करना। किस वजह से रुका है इसका कार्य? ये पंचायती अपना पैसे उसे खबर अपना रह ले, और कौन खबर? मतलब आपका कहने का मतलब है जो ग्रांट आती है इस महिला मंडल की वो सरपंच खा जाता है? कोई भी खाओ यहाँ से नहीं लगता एक रुपया, अभी आपके सामने पड़ा जो भी है। आपको पता नहीं है कि किस वजह से ये पूरा काम नहीं हो रहा है? ना ये नहीं हमारे को पता। तो देखिए ये था गांव बराना का महिला मंडल, जो कि पिछले 15 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। तो अभी जैसा कि आपने देखा, हमने पूरे गांव बराना में घुमा और देखा और बताया वहां पे लोगों क्या समस्या है और अब तक उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गाँव बराना के सरपंच। तो स्वागत है सर हरियाणा रिपब्लिक पर। हाँ जी स्वागत है जी। तो सर सबसे पहले बात करते हैं हम कुम्हार चौपाल की। जैसा कि आपको पता है वहाँ पर कबड्डी के प्लेयर रहते हैं और उनका कहना था कि गांव में जो उस कुम्हार चौपाल है उसके अंदर अब तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो किस वजह से नहीं है? उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को लाइट की, उसमें जरूरत नहीं, मीटर लगवाने की जरूरत नहीं थी। दिन दिन में कोई आवेदा दिन में ठहर जाए चले जाए थे। और वहाँ जो कोच थे उनका आरोप ये भी था कि जब वो आए थे यहाँ रहने के लिए कबड्डी प्लेयर, तो आपने मना कर दिया था कि नहीं रहे? नहीं हमें बिल्कुल मना नहीं करे, मना करते तो उनका है ही नहीं कबड्डी प्लेयर, क्या उसमें कुछ नहीं, कम्युनिटी सेंटर है, पंचायती जमीन है, पंचायती पैसा हम उसको निकाल देते हैं, अब भी निकाल देते हैं। गांव में स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं आप? फिर सपोर्ट के लिए हम सब दाड़ के मदद कर रहे हैं उनकी, हमने बैठने के लिए कहा था हमने बैठा रखे उनके लिए, करनी तो चाहिए।
उन्हें कभी जिक्र ही नहीं करेगा हमें लाइट चाहिए ना चाहिए। गाँव के बच्चे अपने घरों चले जाते हैं रात को, दिन में खेलते हैं। वही महिला चौपाल जो आपको बताओ जो कश्यप चौपाल है उसके ठीक सामने महिला मंडल बना हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ उसकी खराब है। 15 सालों से वहाँ के लोग का कहना था कि 15 सालों से वो बन रहा है। उसमें महिला मंडल को दे दिया था, उनके अंडर जा रही, उन्हीं गली की जा रही, पंचायत का उसमें कोई रोल नहीं। उनका आरोप है वहाँ पर जो बारिश होती है पानी घुटने तक लग जाता है, जो शमशान घाट वहाँ पास में ही है तो जब कोई लाश ले जानी होती है तो लोगों को आधे पानी में डूब के जाना पड़ता है। अभी बारिश के टाइम हर एक जगह ऐसा होता है, कोई वहीं नवा काम नहीं, बारिश के टाइम तो पानी भरेगा नीचे में जाएगा ही। कश्यप चौपाल की हालत तो अच्छी दिख रही थी लेकिन उसके अंदर जो व्यवस्था है वो नहीं थी। व्यवस्था सब है, बिजली वहाँ है, पंखे सारे खराब हैं, पंखे चौपाड़ों में पंचायत ऐसा कुछ कर नहीं सकता। पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ पानी पीने के लिए है, बोर करवा, टंकी है लेकिन पानी नहीं है। वो उनकी वाह है, हमें पानी भरने की वाह नहीं, पानी उन्हें भरना, ट्यूबवेल लगा हुआ है, समरसिबल वाटर कूलर लगा हुआ है, लैटरिन बाथरूम बने हुए हैं, सब व्यवस्था सही है। सफाई व्यवस्था नहीं है। सफाई व्यवस्था जो बैठते हैं वही करते हैं वहाँ। वहीं पर और भी हम जगह गए थे, वहाँ पर जैसा आपके गांव के शुरू में लिखा हुआ था शौच मुक्त गांव, लेकिन कुछ ऐसे हम इलाके में गए या सुना भी हमने वहाँ पर लोग खुले में शौच करते हैं। हाँ जी करते हैं। मैं डेरा सिकलीगर है, उनको समझा भी लिया, कह भी लिया, डीसी भी आ लिया, डीसी ने लैटरिन भी बनवा ली, काफ़ी उनकी लैटरिन फेट आई थी, 10 दिन में चला नहीं सकते उसमें, उसको मजबूर है इसके लिए, हम उनके लिए अनपढ़ आदमी हैं। गांव में जब हमने वार्ड नंबर 17 के पार्षद आपके गाँव के जो हैं मंजीत जी उनसे ही बात की हमने, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम जो रुके पड़े हैं ग्रांट ना होने के कारण। कौन से रुके हैं बोलो। गांव में सफाई व्यवस्था बहुत जगह नहीं है, चौपालों में कई जगह लाइटें नहीं है, उनका कहना है कि सरपंच की तरफ से जो पैसे नहीं दिए जा रहे जिस वजह से काम रुके। चौपाड़ों में सरपंच की कोई व्यवस्था नहीं, वेंकट हॉल वो सब रहा कम्युनिटी सेंटर, पंचायत करती है कम्युनिटी सेंटर में व्यवस्था, चौपाड़ों में पंचायत का कोई किसी प्रकार को नहीं। अब आपके गांव में क्या कुछ और समस्या रह गई है जो आपको पूरा करना है। हमारे गांव में ऐसी मेन समस्या कोई नहीं, सब हमने आईटीआई हमने बनवा दी, वेंकट हॉल हमने करवा दिया, पीएससी हमने बनवा दी, दो सड़कें कच्ची पड़ी थी मैं हमने करवा दी, ये सड़क नाले तो चलते ही रहते हैं। पार्षद जी का कहना था कि अधिकतर चौपाल उन्होंने बनवाई है। उसने चौपाड़ का एक ईंट भी लगाई, एक ईंट कोई गली में बताओ लगाई हो या चौपाड़ में लगाई हो, कोई काम कराया ही नहीं। उनका यही कहना था कि आधे काम जो मैंने किए हैं सरपंच जी की तरफ से सहयोग तो मिलता है लेकिन बहुत जगह सहयोग नहीं भी मिलता। उसने बिल्कुल कोई काम नहीं करवाया, ना पैसा ले आया ना करवाया, एक कमार चौपाड़ में पत्थर लगा रखे, उनकी पेमेंट नहीं जा रही, मेरे उन्दे फिर ना करे। वहीं हरिजन चौपाल उनका कहना था कि उन्होंने बनवाया। हाँ ब्लॉक समिति वालों को जो पत्थर लगवाया, ब्लॉक समिति वालों को लगवाया, वो तो कह रहे पूरा मैंने हरिजन चौपाल मैंने बनवाया। चौपाट तो पहले बनी हुई थी अपनी, हरिजन नई पैसे डाल कर अपनी चौपाट बनवाई थी, पत्थर मंजीत ने लगवाए थे। तो और आपको अपने जो 5 महीने और बचे हैं शेष सरपंची के, जो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपका कोई ऐसा काम है जो रुका पड़ा है जो अब तक आपने नहीं किया? कोई ऐसा हमारा कोई काम नहीं जो ज़्यादा जरूरी हो, वैसे तो काम तो चलते रहेंगे। जो अभी शमशान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वो जैसा कि जब हम आगे गए थे कश्यप चौपाल के आगे वहाँ पर शमशान रोड है वहाँ पर पानी भर जाता है, तो उसकी निकासी के लिए क्या कब तक व्यवस्था की जाएगी? हमें PWD को लिख कर प्रस्ताव भेज रखा है, वहाँ से सड़क ऊंची उठेगी, हमने ईंट सीमेंट वहीं पड़ी हुई है, नाला बनवाऊंगे, निकासी उसकी दूसरी साइड में बनवाऊंगे। तो देखिए हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे गाँव बराना के सरपंच जिन्होंने बताया कि क्या कुछ उन्होंने कार्य किए हैं। उनका कहना है कि 4.5 साल में गांव का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो विकास नहीं हुआ है, सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन गांव वालों के आरोप थे कि बहुत से कार्य नहीं हुए हैं, कई जगह लाइट की समस्या है, कहीं जगह निकासी की समस्या है, तो कुछ समस्या भी हमें नज़र आई। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक, तब तक के लिए धन्यवाद।